सो वेलकम बैक गाइज, अनदर वीडियो ऑफ बैजर चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिव्यू। तो रिव्यू हम करेंगे फ्री फायर के नए अपडेट का। वैसे तो मेरा एक ही ओपिनियन है उस अपडेट के बारे में, ये तो टट्टी है से बेकार अपडेट मुझे ये वाला अपडेट लगा है। इन्होंने पता नहीं क्या करा गेम के साथ, आगे काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं और वो भी छोड़ के चले जाएंगे ऐसे अपडेट्स के बाद। मैं जानता हूँ मेरा वीडियो थोड़ा लेट है, तो मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का या एडिट करने का। मैं गेम भी नहीं खेल पाता हूँ ज़्यादा, कि गेमिंग वीडियो डालूँ, बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ कि ब्लॉग वगैरह डालूँ, तो थोड़ा काम वगैरह में फंस चुका हूँ। तो जैसे ही फ्री होंगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा वर्क चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है सिस्टम। किसी तरीके रिव्यू स्टार्ट करते हैं हमारा गेमिंग का। तो वीडियो पसंद आएगी तुम्हें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं तुम्हें सबसे बेकार चीज़ दिखाने वाला हूँ इस अपडेट की, और मेरे साथ एग्री करोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं करोगे तो एंड तक तो वैसे भी टिकना ही पड़ेगा, तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये रिव्यू तुम्हें कैसा लगा। तो चलिए सो गाइस, मैं आप सबके साथ फिर जुड़ चुका हूँ। तो अभी करेंगे हम रिव्यू शुरू। तो ये स्क्रीन जाएगी यहाँ, ये सेकंड फेस कैम है मेरा गेमिंग वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो इंटरफेस है, जो बैकग्राउंड इंटरफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, बट जहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं बाकी चीज़ों को, जैसे स्टोर, लकड़ॉयल वगैरह, वो जो चीज़ें हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिए। फॉन्ट वगैरह चेंज कर दिए, जैसे तुम देख सकते हो अपने जैसे गेम वगैरह लगाते हैं और बाकी गेम्स के एक्सेस ले रहे हैं CS और BR वगैरह, और जहाँ से हम गोल्ड वगैरह देते हैं वो सारे फॉन्ट चेंज कर चुके हैं ये। उसके बाद डायमंड रॉयल देख लेते हैं, वो अभी चेंज होगा, गोल्ड रॉयल चेंज हो चुका है और ठीक ठाक है। इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं, अच्छा है, ठीक ठाक है। तो नहीं आ चुका है, तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर लॉग इन रिवॉर्ड वगैरह, इसमें मिल रहा है ज़्यादा खास रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है, फ्री में तुम्हें यही सब मिलता है गिना फ्री फायर की तरफ से, जैसे कि सारे जो खेलते हैं वो जानते ही हैं। उसके बाद ये एक मोड तुम्हें प्ले वगैरह करने में मिलेगा एक्सचेंज आइटम्स के थ्रू, बाकी सब तुम्हें डायमंड तो ज़रूर उड़ाने पड़ेंगे। उसके बाद तुम्हें दिखाता है स्टोर वगैरह में क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी सब पुराना ही है। उसके बाद जो न्यू चीज़ें हैं, नया पैट है, कुछ नए करेक्टर्स हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा और मेजर चेंज जो आया है इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है जो हम मिशन वगैरह डेली मिशन और वीकली मिशन कम्प्लीट करते हैं, भाई एकदम से उलट पुलट दिया उन्होंने, कि समझ ही नहीं आता कि मिशन कहाँ से पढ़ने और कम्प्लीट कहाँ से करने। और किंगफिशर की स्किन फ्री में मिल रही है, लेना मत बोलना। जैसे मिशन देखते हैं वहीं से तुम इलाइट पास में जा सकते हो, इलाइट पास के रिवॉर्ड्स देख सकते हो। ये कॉम्प्लिकेटेड लगा जब नया अपडेट आया था 2 दिन पहले, तो 2 दिन बाद ये रिव्यू कर रहा हूँ, तो पूरा देख सुन के, ठीक है, ये नहीं सोचना कि देखा और रिव्यू करने लगा 2 दिन खेलने के बाद, परखने के बाद फिर जाके रिव्यू कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने कल एक रैंक मैच खेला था, उसके वो भी बता देता तुम लोगों को। इससे पहले करेक्टर्स दिखा देता तुम्हें, जैसे तुम अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ करेक्टर्स नए आए हैं, एक एबिलिटी एक्टिव है, दूसरी कोई एबिलिटी नहीं है, पर उसमें तुम स्किल्स डाल सकते हो, उसमें स्किल्स लॉस दिए हुए हैं तुम्हें चारों के चारों, तो दोनों लड़के हैं। उसके बाद एक का नाम कतई जहर है, जहर नाम है, तुम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका नाम पढ़ना भाई मज़े ही आ जाएंगे तुम्हें। गाली होती है मेरे ख्याल से, जी लगा दोगे तुम। उसके बाद या मेरे को ऐसा लग रहा है या सबको ऐसा लगता है कि जो फ्री के रिवॉर्ड इतने घटिया करते जा रहे दिन ब दिन, हीरोइक पहुंचने पे जो तुमने बंडल मिलते, तुमने देखा जो सबसे पहला वाला आया था, तुम देख सकते हो जिन लोग पहले के खेलते उन्हें याद होगा कि पैसा रिवॉर्ड कितना बढ़िया थे, वो बंडल अच्छा भी था, डाल के भी अच्छा लगता था, वो हेलमेट और स्नो वाली जैकेट वगैरह टाइप का था वो बढ़िया था। ये बाइक अजीब से आता है, पिछला भी नहीं अच्छा था, ये वाला भी अजीब सही है। उसके बाद जो ये इंटरफेस था देख रहे हो, जैसे गेम स्टार्ट वगैरह करते, ये भी बहुत पुराना है, जो स्टार्टिंग में आई थी फ्री फायर तब तक का है ये, तो वो उन्होंने वापस से वही चिपका दिया ताकि भाई मेहनत ना करनी पड़े, पुरानी चीज़ें चल रही हैं चलाओ जब तक चलती हैं। उसके बाद नई चीज़ें स्टोर में तुम देख सकते हो, मैजिक क्यूब में भी बंडल में कुछ नया नहीं आया, अच्छा बंडल नहीं आया, कुछ खास नहीं आया, कुछ नया डालते नहीं, डायमंड रॉयल के बंडल सारे उसी में जाते हैं, सारे जानते हैं। ऊपर से भाई जो फ्रेंड्स वगैरह देखने के वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया उन्होंने, वैसे ढूंढ के निकाल छांट के निकालना पड़ता है फ्रेंड, वही स्टार वगैरह कर लो तो बढ़िया चीज़ है। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आती है रिजेक्ट, जो क्रॉस और टिक का ऑप्शन था वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट में चेंज करते हैं। बहुत बड़ा मेजर अपडेट आया फ्री फायर का ये, सूत्रों के अनुसार से पता चला है। भाई ये चुकी है फ्री फायर में कुछ नहीं रखा, और भाई हमको पागल बना रहा है। तुम देख सकते हो रात को मैं जैसे बताया मैं खेल रहा था रैंक्ड गेम,
पिंग तो भाई नीचे आ रही था 200 के, वाईफाई के ऊपर खेलता हूँ, स्पीड वगैरह ठीक है, पर मेरा नहीं आ रहा, सभी का आ रहा, क्योंकि सभी गेम लैग कर रही थी, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, आगे लैग करता और कितना करता, इससे रीलोड वगैरह या गन स्विच करना बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा था क्योंकि पिंग काफ़ी चल रहा था। उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक सुपर मेड किट आई है हमारे गेम में, बच्चों की पहली गेम होती जा रही है, जो तुम देख सकते हो साइड पे जो लोगो आइकन्स बन के आ रहे हैं मेड किट के, ग्लो वॉल के या बॉनफायर या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हो तुम, वैसे बच्चों वाले कर दिए उन्होंने, मतलब कि कोई गेम उठा लोगे 100-200 MB की, उसमें होते हैं ऐसे ग्राफिक्स, मैंने काफ़ी खेली है टाइम पास करने के लिए बिना इंटरनेट वाली गेम्स, तो उसमें होते हैं ऐसे ग्राफिक्स, उधर भी यही चीज़ें डाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं। फ्री फायर आगे मजाक उठता है कि बच्चों वाली गेम है, बच्चों वाली गेम है, तो वो और ज़्यादा वो आइकन्स वगैरह भी उसी में तब्दील हो रही है, तो बुरा मान के कर रही है या तो गुस्से में कर रही है, पता नहीं भाई, या प्यार से माने जा रही है बात उनकी और उनसे प्यार बहुत ज़्यादा उनको। उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सुपर मेड किट का बहुत ही बढ़िया यूसेज है, जैसे कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जितनी भी कम तुम्हारी एचपी होगी ये फुल एचपी करके दे देगा तुम्हें, ठीक है, बट जो पुरानी मेड किट है वो पुरानी है। उसके बाद तुम्हें स्टोर बता देते, तो स्टोर से तुम खरीदारी करते थे ग्लोबल, तुम दो बार खरीदते थे, अब ग्लोबल उन्होंने एक ही बार कर दिया, सिर्फ 3 ग्लोबल ले सकते हो तुम, मशीन सी लगी है वेंडिंग मशीन, बहुत बुरा कर रहे हैं यार ये हमारे साथ। उसके बाद ये सुपर मेड किट तुम्हें CS में मिल जाएगी। उसके बाद सबसे बेकार चीज़ की बात आ चुकी है, जैसे कि कुछ लोग टिक चुके होंगे अभी तक मेरी बकवास सुनते हुए, तो वो बकवास चीज़ जो कि गेम है बहुत सारा बकवास है, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है क्या नो ब्लड पे खेलना, तो नो ब्लड पे तुम ग्राफिक देख सकते हो, किल फील्ड जो आ रहा है, हमें निशान आता था जो कि स्कल टूटने का आता था सबसे पहले वाला, बहुत बढ़िया था, उसके बाद चेंज हुआ थोड़े हद तक बर्दाश्त किया, अभी तो भाई एकदम ही बेकार, इतना वाहियात कर दिया ना मुझे इस अपडेट में, सबसे बेकार चीज़ यही लगी, तो सबसे पहले हेड शॉट वाला और बिना हेड शॉट वाला पता नहीं चलता है हेड शॉट बजा नहीं बजा, समझ ही नहीं आता, ये नो ब्लड वाला है। इसके बाद मैंने चेंज कर दिया कि चलो थोड़ा वो गलत है, डार्क मोड में खेल के देखते हैं, ठीक है, तो मैंने डार्क मोड करके देखा तो उसमें भी सेम चीज़ है, इतना वाही आदि इतना बेकार कर दिया उन्होंने, मतलब चलो ब्लड वाला बर्दाश्त कर लेंगे, जोन के बाहर ब्लड के निशान आते हैं तो वो ना इरीटेटिंग लगता है और पीछे वाला दिखता नहीं है, अगर पीछे से कोई जोन के पीछे से मारता तो थोड़ा ना विजुअल्स ख़राब होते हैं, तो फिर नो ब्लड पे खेलते हैं मैक्सिमम लोग, उसने बोला चलो ब्लड वाला बर्दाश्त कर लेंगे, तो ब्लड वाला भाई कल तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे हेडशॉट मारो और ना मारो, मेरे को समझ ही नहीं हेडशॉट वाला है भी या नहीं है, इतना बेकार, जो पुराना वाला था वापस ले आओ, अगर फिर गिरना फिर फायर वाले से दरख्वास्त करो, विनती है कि पुराना वाला वापस ले आओ, वरना अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। आगे काफ़ी लोग मेरे काफ़ी दोस्त जो मेरे साथ रेगुलर खेलते थे BGMI पे शिफ्ट मार चुके हैं, और थोड़ी देर भी नहीं लगेगी कि हम भी BGMI पे शिफ्ट मार लेंगे या गेम ही खेलना छोड़ देंगे, वैसे टाइम नहीं मिलता, मतलब कि सबसे बेकार चीज़ मुझे लगी, तुम्हें इस अपडेट में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे तो बहुत ही बुरा लगा है ये अपडेट देखने के बाद, कुछ अच्छा नहीं है इस अपडेट में, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छा बंडल नहीं दिखा मुझे, कुछ अच्छे फीचर्स नहीं दिखे, यहाँ कुछ अच्छा इंटरफेस नहीं दिखा कि मैं बोलूँ कि हाँ ये अच्छा है, मुझे ज़रूर बताना तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारे रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को 150 प्यार देना, इस वीडियो को ज़्यादा फैला दो अपने दोस्तों के बीच में, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, कोविड की सिचुएशन दोबारा से अराइज हो रही है तो अपना ध्यान रखें, मास्क भी पहन के जाएं, बाय बाय।